खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रुप डी डिकोड को लेकर यह बड़ा असर हुआ है। जी राजस्थान के स्टिंग ऑपरेशन का असर दिखने लगा है। रेल मंत्रालय ने स्टिंग ऑपरेशन को गंभीर मानते हुए इस पर संज्ञान लिया है और कहा है अब इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध गंभीरता से कदम उठाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ पर अब एक्शन होगा। मंत्रालय ने कहा है कि जो भी दोषी होगा, अपराधी होगा, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप सोचिए अगर राजधानी में इस तरह से स्टिंग सामने आया है और ये बैठकर ये नेक्सस चलाते हैं पूरे देश में, यूपी बिहार समेत तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र में ये नेक्सस चलता है, किस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चंद पैसों के लिए किस तरह से युवाओं का भविष्य दांव पे लगाया जा रहा है। अब इस पे क्योंकि स्टिंग जी राजस्थान ने दिखाया, स्टिंग किया, अब उसके बाद इस खबर पर मंत्रालय ने संज्ञान लिया है, इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की बात की है, कहा है जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कदम उठाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर अब एक्शन होगा। तो कल से हम आपको ये स्टिंग दिखा रहे हैं और आखिरकार इस मामले में संज्ञान लिया गया है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से कहा गया है जो भी दोषी होगा, दोषियों पर शिकंजा कसा जाएगा, कार्यवाही की जाए। चंद पैसों के लिए युवाओं के भविष्य पर जिस तरह से ये ग्रहण लगाकर बैठे हैं, उसके बाद इस मामले में कार्यवाही की बात सामने आ रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।